देखिए हाइजेनबर्ग पर हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि एक गोल्फ की गेंद है और इसका द्रव्यमान 40 ग्राम है, यानी केजी में कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻³ केजी हो जाएगा, ठीक है। और इसके इसका वेग दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकंड, और उसके अंदर 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है इसको। तो 2% से गुणा करेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा एक्स क्या है, h/4πm, और ये डेल्टा वी भी आ जाएगा नीचे, ठीक है। एच आपको पता है प्लैंक नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 6.62 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, और पाई की वैल्यू 3.14। एम क्या है, ये रहा 40 × 10⁻³। डेल्टा वी आपने अभी निकाला 0.9, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1.48 × 10⁻³ मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल ये श्रोडिंगर ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है उसका जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तीनों एक्सिस के अलोंग होती है, एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता वो साई स्क्वायर होती है, ठीक है। साई स्क्वायर इसको बोलते हैं, ये संकारक है, संकारक है, ये एक तरह का ऑपरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, संकारक। साई स्क्वायर ही क्यों लिया, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर इसलिए ली कि अगर मैथमेटिकली हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव लें तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रहती है, यानी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता ऑर्बिटल के अंदर कक्षक में हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने साई स्क्वायर लिया, नहीं तो हम साई भी ले सकते थे। और श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी तो तीनों एक्सिस के अलोंग है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8π² m/h² e - v साई इक्वल्स टू 0, ये इसने समीकरण दी। देखो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता उसने x एक्सिस के अलोंग भी रखी, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग रखी, 8π² m, m इलेक्ट्रॉन का मास है, h प्लैंक नियतांक है, e टोटल एनर्जी है, V अप्लाइड वोल्टेज है, साई ऑपरेटर है, संकारक इक्वल्स टू 0, ये पूरा किसके है, इक्वल्स टू 0, ये समीकरण क्या कहलाती है, श्रोडिंगर की समीकरण कहलाती है, ठीक है। ये परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत है। फिर उसने ये सारे ऑपरेटर जो हैं उनको उसने एच साई इक्वल्स टू ई साई से रिप्रेजेंट किया। यहाँ एच जो है ये हैमिल्टोनियन संकारक कहलाता है, क्या कहलाता है, ये हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। अब इसके अगर परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण अगर हम देखते हैं तो वो किस तरह से हैं कि कुछ एक पॉइंट्स हैं इसके, जैसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के निश्चित मान ही संभव हैं, इसे ऊर्जा का क्वांटीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अनुमत हल जो है वो श्रोडिंगर समीकरण इससे, यानी इससे प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के सुनिश्चित पथ की अपेक्षा अनेक बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता व्यक्त करता है। चौथा पॉइंट है, क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन साइन, ये तरंग फलन साई जो है निश्चित ऊर्जा के कक्षक का लाक्षणिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तरंग फलन का वर्ग साई स्क्वायर का मान परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, ये प्रायिकता घनत्व भी कहलाता है। देखो इसको साई स्क्वायर को अगर इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रायिकता घनत्व। ठीक है, तो ये परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे क्वांटम संख्या, उससे पहले थोड़े से इसके नोट्स देख लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया श्रोडिंगर के द्वारा। एच एक गणितीय संकारक है जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ई कुल ऊर्जा है, हमने पूरी श्रोडिंगर समीकरण ही देख ली तो सारी टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो नोट्स में नहीं है, केवल जो बोर्ड पे मैंने समझाई है वही है। यहाँ ये बताया गया कि जैसे साई ही क्यों लिया गया, साई का कोई अर्थ नहीं है, साई स्क्वायर ही क्यों लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और ये इसके पॉइंट है क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए। इसके बाद में लेते हैं क्वांटम संख्या और कक्षक। क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे, देखो क्वांटम संख्या जो है, क्वांटम संख्या है क्या, परमाणु में उपस्थित कक्षकों को उनके आकार आकृति और अभिविन्यास के आधार पर तीन क्वांटम संख्याओं एन एल एम द्वारा दर्शाया गया। चौथी क्वांटम संख्या एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या है। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोर्ड में समझाता हूँ मैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। पहले मुख्य क्वांटम संख्या एन है। ठीक है, उसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या है। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या को एल से व्यक्त करते हैं, एल के मान इस तरह से होते हैं, इस 0 से n माइनस 1 तक होते हैं। उसके बाद तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है। ठीक है, इसको m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके मान इस तरह से होते हैं, माइनस एल से प्लस एल की ओर होते हैं। और लास्ट चौथी चक्रण क्वांटम संख्या है। जो इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ठीक है, ये बताता है, इसको एस से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चक्रण क्वांटम संख्या, तो वो एस से व्यक्त करते हैं इसको, एम एस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप एस से भी व्यक्त कर सकते हो। ये प्लस हाफ और माइनस हाफ दो तरह के होता है, अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ। डब्बे में यानी ऑर्बिटल में ऐसे बताएंगे, ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, ताकि नेट क्या रहे, शून्य हो जाए। नेट क्या हो जाता है, शून्य। इससे क्या हुआ, रिपल्शन क्या हो गया, शून्य। प्रतिकर्षण क्या हो गया, शून्य, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सके, अगर उनमें प्रतिकर्षण शून्य होगा अन्यथा नहीं रह पाएंगे। आओ इसको बोर्ड पे समझे।
देखो जिस तरह से पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, इसे एन से व्यक्त करते हैं, ये कोशों के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। कोश कौन से होते हैं, के एल एम एन, इस तरह से चलते रहते हैं। एन इक्वल्स टू, हम इनके लिए आजकल क्या वर्ड यूज करते हैं, 2 3 4 डैश डैश डैश। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से निकालते हैं, यानी यहाँ होगी 2, यहाँ होगी 8, यहाँ होगी 18, यहाँ होगी 32, इस तरह से चलता रहता है। आगे बात समझ में आपको, इस तरह से होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो नील्स बोहर था, जो इसका खोजकर्ता था मुख्य क्वांटम संख्या एन का, वो नील्स बोहर था, ठीक है। तो ये कोषों के बारे में जानकारी देता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप कोषों में निकाल सकते हो, के में 2 हो सकते हैं अधिकतम, ये अधिकतम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कम भी हो सकती है, कम तो आप जितनी मर्जी कर लो, 32 की जगह 1 रख लो, ठीक है, तो इस तरह से। अब दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान जो है ना वो 0 to n-1 होता है, 0 से लेकर के n-1 तक होता है। देखो किस तरह से, अगर n बराबर 4 है तो l का मान क्या होगा, 0 1 2 3। अब आगे बात समझ में, n-1 तक, ये s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए, ये f के लिए, ये उपकोष होते हैं, सब सेल बोलते हैं, ये शेल, ये सब सेल, तो ये उपकोष s p d f होते हैं, हर कोष में 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। तो उसके अंदर ये, इसमें जो है ऑर्बिटल की संख्या 2l+1 से निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ये कक्षक के बारे में है जानकारी, ये इलेक्ट्रॉनों के बारे में, ठीक है। अब कक्षक तो आप 2l+1 से निकालो, कितने आएंगे इसमें, 1, इसमें कितना आएगा, 3, इसमें कितना आएगा, 5, इसमें 7, इलेक्ट्रॉन जस्ट दुगने, देखो 2 से 12 गुना होगी इसको, 2 2l+1, तो 2 6 10 और 14, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से ये निकालते हैं। अब देखते हैं तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से व्यक्त करते हैं, और एम का जो मान है वो होता है -l2+l। जैसे अब किसी का भी आप उठा लो, जैसे एस के लिए एल का मान कितना है, 0, तो एस के लिए एल का मान आपको पता है 0 होता है, ये 0 रखा हुआ है यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगा, एम का मान भी क्या होगा, एम का मान भी 0 ही होगा। पी के लिए -1, देखो 1 होता है, 1 होगा तो ये -1 से प्लस एल तक जाएगा, तो -1 0+1। डी के लिए बात करेंगे तो -2 -1 0+1+2। एफ के लिए अगर बात करेंगे तो -3 -2 -1 0+1+2+3, इस तरह से हो। तो ये एम के मान है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एम के मान लिखे, जो क्या होते हैं, -l से +l। दोबारा देखो, s के लिए l का मान कितना, 0, तो 0 हो गया। p के लिए 1 होता है, तो 1 के लिए देखो फिर -1 से +1 तक जाएगा, ये रहा। d के लिए देखो 2 होता है, 2 होता है तो फिर -2 से +2 तक जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। f के लिए 3 होता है l का मान, ये रहा l का मान, ठीक है, तो f का मान -3 से +3 तक जाएगा। तो ये तीन क्वांटम संख्याएं हमने यहाँ पे पढ़ी। चौथी तो देखते हैं, देखो ये उपकोषों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, और इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट था सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने इसके बारे में जानकारी दी, और ये उपकोषों के बारे में जानकारी देता है, ये कोषों के बारे में जानकारी देता है, ये उपकोषों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, और ये नील्स बोर ने बताया था, ये सोमरफेल्ड ने बताया था आविष्कार किसका, और इसके बारे में, ये कक्षक के बारे में जानकारी देता है, और ये कक्षक के बारे में जानकारी देता है, इसका जो वैज्ञानिक था बताने वाला वो जीमान था,
इसका आविष्कार कौन था? जीमान। ठीक है, जो हमने जीमान प्रभाव ही पढ़ा था नील्स बोर की कमी होना। ठीक है, चौथी लेते हैं, ये हटा रहा हूं मैं, चौथी लेते हैं चक्रम क्वांटम संख्या। इसको एस से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस हाफ वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस हाफ। ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये प्लस हाफ हो गया। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस हाफ। दक्षिणाव्रत, हिंदी में कहेंगे दक्षिणाव्रत, घड़ी की दिशा में। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, उसका चक्रण इस तरह से हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामाव्रत हिंदी में कहेंगे, तो एस की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। दोनों की वैल्यू प्लस माइनस है तो नेट क्या होगी इसकी? नेट क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, नेट वैल्यू शून्य होने से ये क्या फायदा है इसमें? इसमें प्रतिकर्षण क्या हो गया? शून्य। और प्रतिकर्षण शून्य होने से स्थायित्व क्या हो जाता है? अधिकतम। देखो नेट जीरो होने से प्लस माइनस से प्रतिकर्षण क्या हो गया? शून्य। और उससे स्थायित्व क्या हो गया? अधिकतम। स्थायित्व क्या हो गया? अधिकतम। स्थायित्व अधिकतम हो गया। तो अधिकतम स्थायित्व के कारण ये एक दूसरे के साथ एक ही कक्षक में रह सकेंगे, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के रह सकते हैं, ऑपोजिट चक्रण के, विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन शांति से रह सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण शून्य है, स्थायित्व अधिकतम। एक जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे ऐसे आप रखना चाहो तो कभी नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसे ऐसे रखना चाहो तो आप कभी नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण सर्वाधिक है, स्थायित्व क्या हो जाएगा? न्यूनतम। तो ये चार क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि क्लोरीन का 17वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं एल एल एम एस के मान लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो पहले तो आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हालांकि मैं सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको 9th-10th लेवल पर सीखा हुआ होगा। देखो क्लोरीन का 17वां इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखो दो दो चार और छह दस, तो 12, 5, 17, ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये मैं सिखा दूंगा, ठीक है, अगले दो लेक्चरों के, दो या तीन लेक्चर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखा दूंगा, पूरा डिटेल से सिखाऊंगा, उसमें पूरी एक क्लास चाहिए। आप इसमें देखें कि 17वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन है, सत्रहवां इलेक्ट्रॉन पी के अंदर गया, तो आप तो इसी को पकड़ लो। अब आप देखो एन की वैल्यू आगे की वैल्यू होती है, तो देखो मैं चारों बता देता हूँ, एन एल एम एस। एन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। एल क्या है? दिगंशी। एम क्या है? चुंबकीय। एस क्या है? चक्रम। चारों के मान यहीं से बता देता हूँ, देखो एन एल एम एस, ध्यान से देखो, एन तो ये सामने वाला नंबर ही है, तो ये तीन। एल क्या है? एल क्या है? तीन के लिए देखो पी है, पी है ना, 3p, तो पी के लिए एल क्या होता है? 1 होता है, पीछे लिखवाया था मैंने दिगंशी को, आप ध्यान से देखना। M -1, 0, +1, -L से प्लस कर। और S क्या होगा? प्लस हाफ या माइनस हाफ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। इस तरह से चारों क्वांटम संख्याओं के मान आप निकाल सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। ठीक है, देखो किस तरह से करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन का 5वां इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम संख्या निकालो। तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 1s2, 2s2, 2p4, ये 8वां इलेक्ट्रॉन 2p4 है। ठीक है,
अब आप तो इसको पकड़ लो, इसी के अंदर n, l, m और s फटाफट लिख लो। n आगे की वैल्यू 2 हो गई, l p के लिए क्या होता है 1 होता है, m माइनस l, l से प्लस l यानी ये हो गई, और s प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये इतना सिंपल है आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन का 8वां इलेक्ट्रॉन है जो मैंने निकाला है, ये मैंने किसका निकाला है 8वां इलेक्ट्रॉन। प्रश्न में क्या पूछ रहा है 5वां इलेक्ट्रॉन, तो 5वें के भी निकाल लो। ठीक है, देखो 5वें के लिए इधर निकाल देता हूँ मैं, 5वां कहाँ जा रहा है, 2 2 4, और 5वां 2p1 ही है। ठीक है, तो यही वैल्यू 5वें के लिए होगी। ठीक है, 5वें की भी वैल्यू यही होगी। अभी वैसे समझ में आपको इस तरह से निकाल। हाँ, अगर चौथा होता तो अंतर आ जाता, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं कि चौथे का निकालो, चौथा इलेक्ट्रॉन, मैंने प्रश्न में बदल दिया, चौथा यहाँ जा रहा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, आप देखो, अब देखो एन एल एम और एस चारों मान अलग अलग आएंगे, देखो आप। ठीक है, अब मैं चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन के अंदर, क्वेश्चन मैंने बदल दिया, 5वें का और 8वें का तो सेम आ रहा था क्योंकि दोनों 2p में ही जा रहे थे, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एन देखो 2 है तो 2 ही रहेगा, एल देखो एस के लिए 0 होता है, एम शून्य हो जाएगा क्योंकि माइनस से प्लस, एल शून्य तो एम भी शून्य, एस जो है कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। इस तरह से चारों क्वांटम संख्याओं का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक आपने पढ़ा, इसके नोट्स में आपको पहले ही दे चुका हूँ चारों क्वांटम संख्याओं के। तो चारों क्वांटम संख्याओं में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये मैंने आपको सिखाया। कोई भी तत्व दे दिया जाएगा, उसका 5वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, उसका उसके चारों क्वांटम संख्याओं का मान आप ज्ञात। ठीक है, लास्ट जो एस है वो प्लस हाफ माइनस हाफ इसलिए लिखते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, मतलब जो चक्रण गया है, जो इलेक्ट्रॉन गया उसका चक्रण क्या है, वो दक्षिणावर्त भी हो सकता है, वो वामावर्त भी हो सकता है, इसलिए प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों लिखेंगे आप। आपको ऑप्शन भी मिलेगा तो दोनों ही लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, कल हम परमाणु कक्षक है ना, ये SPD, इनकी आकृतियां देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।